जीवन की मैच्योरिटी देखिए, आप पे कितना कर रहे हो और आपको रिटर्न कितना आ रहा है। मैंने बोला तुम्हें सिर्फ मुझे 8 से 9 करोड़ देना है, मेरी कंपनी है तेरे लड़की के शादी में 25 करोड़ का चेक दे देगी, हो गया ना 70% डिस्काउंट। अगर लड़की की एज ज्यादा है तो 50% डिस्काउंट, बहुत ही ज्यादा है तो 40% डिस्काउंट। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। डम 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 डम। मेरे एक क्लाइंट ने मुझे एक रेफरेंस दिया तो मैं उस बंदे के पास गया, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप चले जाओ। मैं उसके घर गया तो उन्होंने ही दरवाज़ा खोला और मैंने बताया कि मैं कुलीन पटेल हूँ, LIC का कार्ड दिया, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। उस दिन इतना दुख हुआ कि साला इतना इज्जत है अपना। फिर 4 साल तक मैंने उसको फ्लावर भेजते रहा। फिर एक दिन मेरे को ऐसा हुआ कि कितने साल से इसे बात ही नहीं किया है, फ्लावर जाते हैं तो चलो एक बार बात करता हूँ। तो मैंने बात किया तो बोला हो कैसे हो कुलीन, आओ यार कभी मिलते नहीं हो। मैं रिसेंटली लास्ट ईयर एक क्लाइंट को किया था, मतलब कई क्लाइंट का किया, तो एक क्लाइंट का बता रहा हूँ। 50 लाख रुपए का सरेंडर वैल्यू था, मैंने उसके करंट अकाउंट को असाइन कर दिया पूरे फैमिली के पॉलिसीज एज ए लिक्विड एसेट। उसके ऊपर बैंक ने उसे 80% लोन दे दिया, 40 लाख रुपए का ओडी लिमिट बढ़ा दिया। अब मैं उसको बोला भैया इसके ऊपर कोई खर्चा नहीं है, 250 रुपए पर पॉलिसी आपको लगा है, मतलब बैंक नहीं बोलेगा कि इंश्योरेंस और लो, आप ये चार्जेस भरो वो चार्जेस भरो, लोन अग्नि सिक्योरिटी पे कोई ज्यादा चार्ज नहीं होता है। भाई इट इज माय प्लेजर, क्या ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि सन्मुखानंद हॉल में यहाँ कौन कौन बोल के गया मालूम, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, पूरे हिंदुस्तान के हिस्ट्री मेकर है ना, जो इतिहास बनाया वो सब इधर आके बोल के गए बम्बई में, तो ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। यही प्रॉब्लम है ना, सबको इतने बड़े बड़े क्लाइंट नहीं मिलते ना हमको। मैं प्रॉमिस करता हूँ ये जो ऑडिटोरियम में बैठे है इसी में से फॉर्च्यून मेकर्स के अगले सारे कार्यक्रमों में स्पीकर बनेगा, इसी में से MDRT बनेगा, इसी में से COT बनेगा, इसी में से TOT बनेगा। थैंक यू। लेकिन थोड़े थोड़े टैलेंटेड होना, थोड़ा थोड़ा इंटेलिजेंट होना, थोड़ा थोड़ा हार्ड वर्क करना, थोड़ा थोड़ा स्मार्ट वर्क करना, हम सब एजेंट कर सकते हैं कि नहीं? ये सब मिला के पूरे हिंदुस्तान में सब डॉक्टर बन के पछता रहे हैं। सॉरी क्या क्या? डॉक्टर बन के पछता रहे। डॉक्टर क्यों मालूम? रात को 2 बजे भी इमरजेंसी आ सकती है, दिवाली या सातम आठम पे घूमने नहीं जा सकते। अगर डेंटिस्ट बन गया सबसे खराब। क्यों? मुंह खोलो, मुंह खोल के 150 रुपया के लिए पूरा दांत सड़ा हुआ इंजेक्शन मार के निकलना पड़ता है, और अपना धंधा सामने बैठो, चाय पियो, नाश्ता का पूछे तो नाश्ता भी करो उसके साथ, चेकबुक उसकी है, बीवी बच्चे अपने, चेकबुक उसकी है, बीवी बच्चे अपने, घूमेंगे फिरेंगे हम। आप भी क्या खंडाला बीवी को भी पूछ सकते हैं और गर्लफ्रेंड को भी पूछ सकते हैं। We are in the noble business. इतना अच्छा business हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अभी तक पिछले 1.5 दिन में आपको आपने सीखा क्या प्रॉस्पेक्टिंग कैसा होता है, सेलिंग कैसा होता है, टेक्निक्स क्या है, प्रॉस्पेक्ट को क्या देना चाहिए, सर्विसिंग देना चाहिए, ये सारा चीज को अभी तक हमने सीखा है। इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का वक्त आ गया है। राजेश ने एक प्रैक्टिकल एक कस्टमर को यहां लाया हुआ है
वो कस्टमर इंश्योरेंस लेने के लिए तैयार है। ये रशिया से आया है। कंडीशन क्या है जो सब पॉलिसी जो मेरे साथ मेरे नॉमिनी के साथ सबसे अच्छा डांस करेगा हम 1,001 करोड़ का जीवन आनंद उसके पास करेगा। अरे कंडीशन सुना आपने? सामान्य आदमी था तो मेरे को तो मालूम भी नहीं कैसे बड़े आदमी को टैप करने का वो सब। लेकिन हम लोग ट्रेनिंग में आते हैं तो मेरे को कोई सिखाते हैं कि भाई ऐसा सेमिनार सेलिंग करो। तो सेमिनार में मैंने किया, अगर सेमिनार तो करेंगे किसको बुलाएंगे बड़े आदमी को, तो हम तो कोई पहचान वाले है ही नहीं बड़े आदमी। तो उसने बोला कि भाई कोई टूर्स एंड ट्रैवल्स के वालों के साथ दोस्ती करो, तो मैंने उसके साथ रास्ता बनाया। कोई CA है तो उनके साथ आप दोस्ती करो, उनके साथ टैप करो, वो सब उनका क्लाइंट और उनका क्लाइंट। खर्चा मैंने किया, उनको बोला तुम गेट टुगेदर हम लोग रखते हैं। और उस सेमिनार के अंदर मैंने कम से कम पहले शुरुआत के स्टेज में 500 आदमी बुलाए थे, लेकिन कोई 100 आता था, कभी 50 आना, लॉट्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी आए, कभी कभी तो ऐसे खाने का पैसा भी गए। लेकिन ऐसा करते करते आज 10 साल के अंदर मेरी कैपेसिटी इतनी हो गई है, लास्ट 3-4 साल से मैं सक्सेसफुल सेमिनार कर रहा हूँ। और वो सेमिनार के अंदर 500 करोड़ से लेके 25,000 करोड़ वाले पार्टी 2 घंटा सेमिनार सुन के जाते हैं, ऐसा मेरा ब्रांड मैंने बना लिया। सो मंडे इज द डे आई प्लान के ट्यूसडे और वेनेसडे किसको मिलना है, ठीक है। तो मंडे के दिन पे हम लोग, जैसे मनोज लोहिया जी ने बताया, डेटाबेस में से हम लोग लिस्ट निकालते हैं कि कितने लोग का समझो कि जीवनश्री पॉलिसी काफ़ी बेची थी तो उनका प्रीमियम अभी बंद हो रहा है, तो बंद हो रहा है तो उनको नया जीवन लाभ पॉलिसी दे सकते हैं हम लोग। उनको खाली एक ही चीज़ बतानी है उनको कि आपने जो पॉलिसी ली थी अभी वो ख़त्म हो रही है। वी हैव बीन इट्स बीन 15 years 16 years, सो लेट्स मल्टीप्लाई दैट बाई 15 times द प्रीमियम एंड क्लाइंट जनरली वुड नॉट माइंड इट। सो सेलिंग जीवन लाभ प्लान इज़ वेरी ईजी राइट नाउ फॉर मी। सो मैं वो टारगेट करता हूँ, हर एक प्लान का एक टारगेट ऑडियंस होता है। तो जैसे जीवन लक्ष्य इज़ माई फेवरेट प्लान, जो बच्चे लोग के लिए ये सेगमेंट में मैं काफ़ी बेचता हूँ, क्योंकि बच्चे लोग के लिए सब लोग प्लानिंग करना चाहेंगे। दे लव द किड्स एज आई लव माई किड्स, आई एम श्योर एवरीबडी लव द किड। आपने इतना सक्सेस ये क्यों कैसे किया? क्योंकि आप भी फॉर्चून मेकर्स में आके कुछ सीखने आए थे। आए थे हाँ या ना? हाँ। नहीं, जोर से बोलिए। हाँ। जोर से बोलिए। हाँ हाँ हाँ। दोनों प्रोग्राम में आए थे पिछले एक। कहाँ बैठे थे? आपकी सीट भी मुझे मालूम है, वहां बैठे थे। एक, एक नहीं, उसके बाद लंच के बाद उधर गए थे। ओके। आपको कुछ फायदा हुआ? मैं बताता हूँ अभी। मैं बताना, यू शुड नो दैट वॉट एवर यू वॉन्ट टू नो फ्रॉम मी, आई एम रियली प्रिविलेज्ड। ये बहुत अच्छा अवकाश है मेरे लिए अब सबसे मिलने का। और कल से मैं देख रहा था कितना आदमी, कितना लव केयर पिक्चर्स एंड लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग टू मी। आई रियली हॉनर्ड एंड आई वॉन्ट टू गेट दैट। आई एम ऑल्सो लाइक ए एजेंट लाइक यू। आई एम डिडेंट कम लाइक वॉट एवर RK sir told from different planet. I didn't come from like that. I am like an agent like you. And when my focus is only selling life insurance the way I said, I don't want to become a speaker. My basic fundamental commitment to my life is selling life insurance. When I focused on that thing,
and today I made whatever I made and whatever the business I made and whatever the love and care and respect I am getting from you, because of that, that is the value I taken from the fortune makers some 2-3 years back. RK Bhai said that everybody rigorously waiting to hear to me. That's not at all inspiring. Yesterday Bharat Bhai said, whatever you are listening here, implement it immediately. If you are ready to implement something, I am really blessed. Only it's not like a movie. Rajesh Chaturskar, last 8 months, whatever the work is doing, not to show some movie. He is giving you an access to transform your lives. If you are really committed, if you really promise to implement whatever you listened from yesterday morning to till now, then I can share. Okay, are you ready? Yes. Are you willing to implement? Yes. God bless.